नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन पुलिस की नजरों से नहीं बच सकते। ऐसे ही दो साथी चोरों को झांसी के नवाबाद थाना पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने उसको कब्जे में लेकर 10 मोटरसाइकिल तथा एक स्कूटी सहित अवैध असलाह कारतूस बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दोनों साथी चोर वाहन को फर्जी कागजात तैयार कर OLX के माध्यम से ऊंचे दामों पर बेचा करते हैं। पकड़े गए चोरों ने पुलिस को अपना नाम अनिकेत यादव तथा दूसरे ने मौवी यादव बताया। दोनों ही झांसी के रहने वाले हैं। झांसी का कौन है? हाल पता तो झांसी है। कैसे करते थे भैया? कहाँ गए? कैसे बेचा करते थे भैया? ऑनलाइन बेचा करते थे? बहुत बढ़िया। कागज भी कागज बनाते थे? नहीं, मोबाइल गाड़ी लो। अरे बहुत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में स्वाट टीम तथा थानाध्यक्ष नवाबाद की पुलिस टीम के द्वारा दो साथी वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम अनिकेत यादव और बाबू यादव है। ये झांसी के ही रहने वाले हैं। इनसे कुल 11 मोटरसाइकिलें तथा एक तमंचा कारतूस अवैध बरामद हुआ है और इनको उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। ये जो मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद OLX के माध्यम से बेचते थे और जो मोटरसाइकिलें चोरी हुई नवाबाद से और कोतवाली से, जब घटनास्थल से हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज लिए और जो इनको ट्रैक करना शुरू किया तो इनके माध्यम से इनको हम लोगों ने चिन्हित किया था। चिन्हित करने के उपरांत इनसे गिरफ्तार करते हुए इनसे ये बरामद भी की गई। ये OLX के माध्यम से मोटरसाइकिल बेचते थे और इनके सभी जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे। ये मैंने बताया ना, ये फुटेज के माध्यम से हम लोगों ने ट्रैक किया, जहाँ से भी मोटरसाइकिलें चोरी हुई थी वहाँ से हम लोगों ने फुटेज उठाए। इसके बाद इनका पीछा किया और इनकी अच्छी फ़ोटो मिल गई, जिससे हम लोगों ने इनको ट्रेस कर लिया। चोरी के जो गाड़ियाँ थीं, इनका फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे।
जिसके नाम पे ओएलएक्स में जिनके नाम पे इनको सेल करना होता था उसी के नाम के फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेते थे। हाँ बिल्कुल, ये जो चोरियाँ हो रही थी लगातार टू व्हीलर की चोरी ये कर रहे थे, इनके पकड़े जाने से चोरियों में रुकावट आएगी। अभी तक जो हम लोगों ने बरामद किया है ये हैं, ये इन्होंने ओएलएक्स में डाली थी, इसके अलावा भी कुछ गाड़ियाँ इनके द्वारा बेची गई हैं, उस पर भी हम लोग आगे काम करें।